फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस डायरीज। आज हम लोग नींबू का शरबत बनाने जा रहे हैं। ये जो शरबत है ये आप स्टोर कर रख सकते हो 1 से 2 महीने तक के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके लिए ये पैन है, गैस पर चढ़ा दिया है मैंने। ये शुगर है, मैं आपको इसका रेशो बताऊंगी कितना लेना है। तो ये जो है ये एक बाउल भरकर नींबू का रस है, 6 से 7 नींबू मैंने स्क्वीज कर लिए थे, ये जूस निकाल लिया है उसका। और इससे 3 गुना हमें शुगर लेना है। तो ये मैंने 3 गुना शुगर ली है जो कि पैन में डाल दी है। तो ये शुगर कवर हो जाए इतना हमें इसमें पानी डालना है। शुगर हमारी पूरी पानी से कवर हो जानी चाहिए, तो इसमें और पानी लगेगा। ये डाल दिया है मैंने, अराउंड 1 बाउल भरकर पानी लगा है हमें। और ये पूरी शुगर जब तक कि इस पानी में मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक कि हमें इसे कुक करना है। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हाफ स्ट्रिंग, जिस तरह हनी होता है चिपचिपा सा, बस उस तरह चिपचिपा सा हमें इसका एक घोल बना लेना है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए ये शुगर मेल्ट हो जाए तब तक कि हम रुकेंगे, इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है बस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने शुगर डाली थी वो पूरी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें शुगर का एक भी दाना नहीं है, बट हमें जिस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए है वो अभी तक के इस फॉर्म में नहीं आया है। मैंने आपसे कहा था कि इसकी एक अधूरी आधी अधूरी सी तार बन जाए इस तरह, जो कि अभी तक के नहीं बन रही है इसमें। और ये हनी की तरह चिपचिपा चाहिए हमें, जिस तरह हनी होता है। तो हम और इसे 5 मिनट तक के चलाते रहेंगे और इसे बार बार चेक करते रहना है। चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अराउंड 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। अब देखिए हमें जिस तरह चाहिए है हनी वाली कंसिस्टेंसी में चिपचिपा सा एक, ये उस तरह हो चुका है। अब हम ये गैस ऑफ कर देंगे। ये हमारा जो घोल है ये रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, क्योंकि जैसे हम ये शरबत रखते हैं थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके, तो फिर इसमें शुगर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जो कि हमें उस तरह की कंसिस्टेंसी में इसे नहीं लाना है। इसमें एक तार बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो अब हम इसे पूरी तरह ठंडा होने देना है, उसके बाद हम इसमें लेमन जूस जो है वो मिक्स करने वाले हैं। तो हम इसे रूम टेम्परेचर पर पूरा ठंडा करेंगे, एकदम ठंडा होना चाहिए ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और ये अब अच्छी तरह ठंडा हो चुका है एकदम, ये पूरी तरह ठंडा है। तो अब हम इसमें ये जो लेमन जूस निकाल कर रखा था मैंने, ये डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह चला देंगे। उसके पहले एक बार ये काला नमक है, ये काला नमक डाल देते हैं। और जितना काला नमक लिया है उतना ही साधा वाला नमक है ये, रेगुलर सॉल्ट, ये भी डाल देते हैं। और अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा स्टोरेबल शरबत जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप 1 से 2 महीना तक के रख पाओगे। तो चलिए अब हम इससे, मैं आपको शरबत बनाने का बताती हूँ। तो चलिए, हमने जो अभी सिरप बनाया है उससे मैं आपको शरबत करने का बता रही हूँ। तो ये ग्लास ले लिया है मैंने, इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं 2-4। और ये जो अभी हमने सिरप बनाया था ये डाल देते हैं, अराउंड 4 से 5 चम्मच भरकर डाले हैं मैंने। और ये हम रोज़ वाला बनाने वाले हैं, तो ये जो रोज़ सिरप है थोड़ा सा ये भी ऐड कर देते हैं इसमें। और अब ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डालेंगे। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप भी इसे पक्का बनाइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। ये एक नए ट्विस्ट वाला शरबत बनाया है फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि मोस्टली रोज में हम लोग कभी नींबू का ऐड नहीं करते हैं। तो आप ये पक्का ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है।